चैप्टर को खत्म कर लेंगे अच्छे से। तो बोर्ड पे ध्यान दो, आप आगे बैठ जाओ कार्तिक, दिक्कत है तो आगे बैठ जाओ, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या, आज हम डिस्पोजल अकाउंट करेंगे, एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल इन द सेंस, अगर मशीनरी है तो मशीनरी डिस्पोजल, आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट रिटेन करवाऊं। पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि हम डिस्पोजल को साइड कर देते हैं अभी, ठीक है, हम पहले इसकी बात करते हैं। कोई भी एसेट्स खरीदते थे इस साइड और बेचा इस साइड जाता था, अगर किसी एसेट्स का डेप है तो वो यहाँ पे हम लगाते थे, और जब कभी भी कोई एसेट्स बिकता था तो उसका टोटल डेप यहाँ से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, मशीनरी में। ये काम होता था पहले, लेकिन अब एक डिस्पोजल अकाउंट बन गया। सबसे पहले डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, आपने कभी डिस्पोजल प्लेट सुना है, डिस्पोजल ग्लास सुना, इसका मतलब क्या होता है बताओ। मतलब यूज करके आप उसे थ्रो कर देते हो, क्रश करके फेंक देते हो, बेकार हो जाता है। सेम डिस्पोज का मतलब है खत्म करना। तो ये वो वाला अकाउंट है जहां पे एसेट्स को खत्म किया जाएगा, एसेट को खत्म किया जाएगा। खत्म का मतलब एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा। तो एसेट डिस्पोजल समझ में आया क्या है, वो अकाउंट जिसके अंदर एसेट्स को बेचा जाएगा। तो अब आप बताना, पहले हम एसेट्स खरीदते इधर थे, बेचते इधर थे, उसका डेप्रिसिएशन यहां आता था। अगर उसके ऊपर बेचने वाले के टोटल डेप यहां, फिर ट्रांसफर। अब खरीदेंगे इधर, लेकिन बेचेंगे इसमें, बेचेंगे किसमें, इस वाले में, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अभी भी यहीं लगेगा। मतलब पहले वाले में से जो तीन ट्रांजेक्शन किया था हमने, बाय पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय बैंक से सेल्स, बाय आपका प्रॉफिट एंड, इसको उठा के मुझे यहां लिखना है बस। हाँ, तीनों को बेचा है तो उसका प्रॉफिट भी उसी अकाउंट में जाएगा और उसके ऊपर पीएफडी भी वहीं जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। यानी मैंने बोला यहां से, यहां पे तीन चीजें लिखा करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उठा के यहां लिखना है, बैंक से सेल्स उठा के यहां लिखना है, और ये सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो इस साइड लिखेंगे। बस मेजर चेंजेस ये है। एक फॉर्मेट लूंगा और उसके साथ साथ मैं कोई एग्जाम्पल भी लेके करूंगा। जैसे सपोज करो, एक साल का बना रहा हूं, 1/4/2016। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस बीडी, अगर ओल्ड मशीनरी है तो बैलेंस बीडी आएगा, और न्यू मशीनरी है तो क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। यहां बैलेंस लिखा, इसके ऊपर का डेप इधर लिखना है। अगर ओल्ड मशीनरी है तो बैलेंस बीडी होगा, बैलेंस बीडी होगा हमारा, ये भी होगा 1/4 को, 1/4/2016 सपोज करो, 1/4/2016। इसके बाद आगे देखा जाए कंटिन्यू में, तो हमने ये तो पहले भी करा था, अब भी करा था, इसमें नो चेंजेस है। अब करंट ईयर का डेप लगाना है इस मशीनरी का, तो मैं इस साइड लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन किसका, सी वाई स्टैंड फॉर करंट ईयर, और ये साल के एंड में लगेगा 31/3/17 को। अब सपोज करो कोई मशीनरी हम बेच रहे हैं तो उसका डेप क्या इस अकाउंट में रहना चाहिए, अगर कोई एसेट्स बेचते हैं कोई मशीनरी तो उसके डेप के साथ क्या करना चाहिए, उसका टोटल डेप्रिसिएशन इधर लिख देना चाहिए। तो पहले हम लिखते थे टू मशीनरी, और ये 1/4 को बेचा है तो 1/4/2016। अब यहां पे मशीनरी से यहां जाता था, मैंने क्या कहा, अब आपको यहां नहीं भेजना, कहां भेजना है, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, एड्रेस होता ही है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मशीनरी डिस्पोजल। समझ में आ रहा है क्या, पहले क्या होता था मशीनरी में लिखते थे तो ये मैंने बोला था ये एड्रेस है तो ये जाता था आपका इसमें, लेकिन नाउ अब मैंने क्या बोला कि ये इसके अंदर नहीं दिखाना आपको, डिस्पोजल में दिखाना है, क्योंकि जो भी एसेट्स बिकेगा उसका सारा डेप, उसका सारा प्रॉफिट, उसका सारा लॉस, कितने का बिका, वो सारा हिसाब किताब के लिए एक अलग से अकाउंट ओपन कर दिया जिसका नाम क्या है, एसेट डिस्पोजल। अब ये मैंने यहां एसेट डिस्पोजल लिखा है टू में, तो यहां आएगा बाय में, बाय क्या नाम आएगा बताओ,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या समझ में आई है? एक चार देखो, आप अच्छे से देखो इस पॉइंट को। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, अगर कोई एसेट्स बिका उसका टोटल डेप निकाल के पहले इसमें लिखते थे, लेकिन अब कहाँ चले जाएगा? डिस्पोजल में, ठीक है। अब बात करते हैं करंट ईयर का डेप, अभी भी यहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या आपको कॉस्ट प्राइस पता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पता है? कॉस्ट प्राइस हम बोल सकते हैं बुक वैल्यू प्लस में, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर जो भी एसेट्स खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, बेचना तो इसमें नहीं लिखना, अगर खरीदा जाएगा तो एक और यहां लिख लेते हैं। चलो खरीदा गया मान लेते हैं किससे, टू बैंक, और मान लो ये 1/10/2016 में खरीदा गया, क्लियर। अब क्या इस पे भी डेप लगेगा? बिल्कुल, इस पे भी इधर डेप लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन नंबर टू, ये 31/3/17, ठीक है ना। दोबारा देखिए बैलेंस बीडी, और अगर कोई नई मशीनरी खरीदा तो इधर, और इन दोनों का डेप यहां आ जाएगा। अगर कोई मशीनरी बिका तो उसका टोटल डेप यहां, और सेकंड एंट्री कहां करेंगे इसका, प्रोविजन में। अब बेचा गया तो हमें किधर लिखना चाहिए, बाय में, बाय बैंक से, और अगर लॉस है तो वो भी बाय में, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आ गया हमारा 1/4/16, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन है वही डेट डालना है आपने। यहां तक समझ में आया? फिर दोबारा रिपीट करते हैं। बैलेंस बीडी यहां पे, यहां पे बैलेंस बीडी, न्यू मशीनरी टू परचेज बैंक से आ जाएगा, और यहां जो मशीनरी बिकेगा उसका टोटल डेप कहां चले जाएगा, डिस्पोजल में, एसेट डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल। कितने का बिका कहां जाएगा, डिस्पोजल के अंदर। कितने रुपए का लॉस हुआ, डिस्पोजल में। इन केस ऑफ प्रॉफिट होता है तो किधर लिखेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट होता है तो टू साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट। बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। 1/4/2016 में मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस मेरे पास 1 लाख है। इसका एक पार्ट मैंने बेचा है, और मान लेते हैं कि मैंने एक, और मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप का भी बैलेंस है। इसका मैंने 30,000 रुपये का पार्ट, बचे कितने, 70,000। 30,000 का पार्ट मैंने 25,000 में बेच दिया सपोज करो, या मानते हैं 30,000 वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे टोटल डेप्रिसिएशन जो था वो था, मैं अजम्पशन ले लेता हूं कि 18,000 रुपये था, माइनस करके बचा 12,000, बेच दिया मैंने 8,000 में, देन हेयर क्या निकल के आया हमारा, लॉस। अब हम मुझसे ये मत पूछो कि ये 18,000 कहां से आया, ये मैं अजम्पशन, एक ऐसा अजम्पशन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब 70,000 रुपये इसके ऊपर करंट ईयर का अगर मैं डेप पूछूं तो करंट ईयर का बोलोगे सर इस पे 7,000 है। एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सपोज करो मैं आपको यहां पे 30,000 रुपये का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, समझ में आया ये क्वेश्चन? लास्ट क्लास में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे हमने, एग्जाम्पल देखे आपने उसको अपने नोटबुक पे करा भी था ठीक से। यहां तक क्लियर है क्या? चलो अब मैं एक और M2 खरीद लेता हूं। सपोज करो मैंने M2 खरीद लिया, और मैंने खरीदा 1/10/2016 में 20,000 रुपये का, क्लियर। अब इसको मुझे प्लॉट करके दिखाना है, आपने आपको इसको प्लॉट करके दिखाना है कैसे करें। सबसे पहले बैलेंस बीडी कहाँ जाएगा, ये 1 लाख, 1 लाख कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन का भी बैलेंस हमें ध्यान देना है, प्रोविजन का बैलेंस कहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? अब करंट ईयर का डेप, एक और मशीन खरीदा है हमने पहले, उसका हिसाब किताब, एक मशीन खरीद लिया, अब दो डेप लगेंगे, एक करंट ईयर का डेप। अब बताओ करंट ईयर का डेप कितना होगा, करंट ईयर का डेप। अब बताओ कौन सा मशीनरी बिक गया है, 30,000 वाला बिक गया, 70,000 वाला बिका है क्या, नहीं बिका, तो करंट ईयर का डेप किस पे निकालें, तो जो कि मैंने निकाल के बताया 7,000, तो करंट ईयर का डेप 7,000। अब नाउ डेप टू कितना आएगा बताओ, इस पे 6 महीने का 1,000, ठीक है। दोबारा क्लियर करता हूं, बैलेंस बीडी, यहां बैलेंस बीडी, करंट ईयर का डेप कितना आया एग्जांपल में देख के बताओ, 7,000, डेप टू कितना आया, 1,000 रुपये आ गया, ठीक है। जो मशीनरी बिका उसका टोटल डेप निकालना है, तो बताओ जो मशीनरी बिका उसका टोटल डेप क्या लिख रखा है मैंने,
18,000 रुपये लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, ये रहा, ये क्या है हमारा डिप्रिसिएशन है, और इसको कहाँ लिखना है मुझे, टू डिस्पोजल, और ये डबल एंट्री कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले आएगा, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। अब मुझे बताना है यहाँ पे सिंपल से वे में, क्या बैंक से सेल यहाँ कितने का दिखाऊंगा मैं, 8,000, और लॉस यहाँ तक, क्या पोस्टिंग समझ में आ रहा है आपको, सिंपल। अब आगे बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया फिर हमारा डिस्पोजल भी खत्म हो जाएगा। अब इस अकाउंट से हमें उस मशीनरी का कॉस्ट निकालना है जो बिक गया, इस अकाउंट से हमें उस मशीनरी का कॉस्ट निकालना है जो बिक गया, और कहां निकाल के ले जाना है, डिस्पोजल में। हम लिखेंगे यहां मशीनरी डिस्पोजल, इसका मतलब है जो मशीन बिका है उसका कॉस्ट निकालना है हमें, कॉस्ट लिखना है जो मशीन बिका है उसका कॉस्ट। अब मेरे हिसाब से आप अच्छे से वाकिफ हो कि कॉस्ट क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है, तो आप मुझे बताना मेरे वाले एग्जांपल के हिसाब से बताओ यहां पे जो मशीन बिका है उसका कॉस्ट कितना लिखना चाहिए, 30,000, 70,000, बताओ कितना, 30,000, कितना आएगा हमारा, 30,000, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू नहीं, 30,000। तो मैं यहां 30,000 पुट करूंगा, और इसकी डबल एंट्री मशीनरी डिस्पोजल में जाना चाहिए, तो मशीनरी डिस्पोजल बाय से कहां जाएगा, टू, टू कहां से आ रहा है, ये मशीनरी से आ रहा है, और यहां पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, बताओ समझ में आया क्या। यानी अब फिर से देखो, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिस जो मशीन बिकेगा उसका निकाल के डिस्पोजल में, इस अकाउंट में से, मशीनरी अकाउंट में से हम बाय साइड में डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखा सकते, सेल्स भी नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर कोई मशीनरी बिकता है तो उसका टोटल कॉस्ट निकाल के कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी डिस्पोजल में, टोटल कॉस्ट निकाला। हमेशा ये दोनों साइड इक्वल रहेगा, क्योंकि ये एक साल का बनेगा हमेशा, और ऐसा भी हो सकता है कि तीन साल में से, मान लो दूसरे साल में ये हैपनिंग हुआ है, बेचा हुआ है हमने, दूसरे साल में ये इवेंट होता है, तो हम बनाएंगे सिर्फ दूसरे साल के लिए, एक साल का, हमेशा दोनों साइड क्या आएगा, ये इक्वल आएगा। अब फर्दर हमारा इसका क्या करना है, वही करना है जो हमने पहले टोटलिंग किया था, सिंपल यहां पे टोटल करेंगे, यहां टोटल करेंगे, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, अगर एंड की बात करूं तो 31/3/17, और ये 1/4 को बेचा है तो 1/4/16, ठीक है। इसके बाद इसका क्या करना है, इसका भी सेम टोटल किया हमने यहां पे, और यहां पे आएगा टू बैलेंस, बैलेंस सीडी आ गया, ये लो, और ये भी आ गया 31/3/17। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट को पोस्टिंग का समझ में दिक्कत नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रहा है पोस्टिंग में, क्लियरली बोलो। अभी फिर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है बताओ आप पोस्टिंग में, कौन से समझ में नहीं आया। सबसे पहले दोबारा देखो, रिपीट करता हूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मेरे पास एक मशीनरी है जिसका बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपए बैलेंस है 1,00,000, ठीक है, बैलेंस 1,00,000 है, और उसके ऊपर का टोटल डेब्ट कितना है, ये भी बैलेंस है, ठीक है, क्लियर। इसमें से एक हिस्सा मैंने जो कि 30,000 का था, उसके ऊपर 18,000 डेब्ट लग चुका है, 12,000 का सामान मैंने 8,000 का यानी 4,000 का नुकसान कर लिया, बाकी इधर वाले पार्ट जो बचा 70,000, क्या मैंने इसको बेचा, इसके ऊपर करंट ईयर का डेब्ट लगेगा, करंट ईयर का डेब्ट 70 में से माइनस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट ईयर का, सॉरी 70 में से 10% 7,000, ठीक है। M2 खरीद लिया कितने का मैंने, 20,000 रुपए का। अब चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस BD किसका, मशीनरी का, क्या आएगा बताओ, 1,00,000। अब उसके बाद हमें प्रोविजन का भी बैलेंस लिखना है, क्या आएगा, 30,000 आएगा। M2 खरीदा है कितने का, और अब इसके ऊपर डेब्ट लगाते हैं, डेप्रिसिएशन एक आएगा M1 पे जो कि बचा हुआ था, कितना आएगा, और एक M2 पे आएगा, यहां तक समझ में आया। अब इस अकाउंट से उसका डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर करना है हमें, जो मशीन बिक गया, तो मेरे एग्जांपल में देखो जो मशीन बिका है उसका डेप क्या है, 18,000, मैंने यहां लिखा 18, लेकिन निकाल के कहां ले जाना है, डिस्पोजल में, तो इसलिए नाम क्या लिखा मैंने, एसेट डिस्पोजल, और ये कहां चला जाएगा, बाय साइड में। हमेशा याद रखना जो एड्रेस देते हैं ना, अगर टू में दे रहे हैं तो दूसरे अकाउंट में जाएगा बाय में, ठीक है। अब ये वाला अकाउंट कंप्लीट समझ में आया, ये समझ में आया। एक और काम करना है, इसमें से हमें एक एसेट्स को निकाल के बाहर करना है जो बिक गया, लेकिन क्या प्राइस पे करेंगे, बुक वैल्यू, कॉस्ट, क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां से कॉस्ट निकाल के कहां भेजना है, डिस्पोजल में भेजना है, तो यहां से मैंने कॉस्ट निकाला बाय से, तो कहां पे आ गया, टू में आ गया, यहां तक क्लियर है।
ये अकाउंट भी क्लोज, ये अकाउंट भी क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल दिखाया, पीएफडी दिखाया, दिखा चुके थे, पीएनएल दिखाया, और इसके बाद दोनों साइड क्या आ जाएगा, हमारा इक्वल आ जाएगा। अब बताओ कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, अभी आ गया समझ में? बताओ किसी को डाउट है तो, कोई डाउट नहीं, क्लियर? अब एक बार अच्छे से इसे नोट करो। नोट करने के बाद एक बार तो पहले आपने ये नोट करना है, आप क्रॉस के हिसाब से नोट मत करना, मैंने तो फॉर्मेट बनाया है समझाने के लिए, मैं देखना चाहता हूं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। नोट करना है, और नोट करने के साथ ये क्वेश्चन भी आपको इसी के अंदर सॉल्यूशन करना है। नहीं, पहले आप देखो नोट करोगे तो क्रॉस लगाने की जगह पे वहां पे अमाउंट फिल कर देना है आपने, ठीक है? और यहाँ क्वेश्चन गिवन है, चलिए फटाफट करके दिखाइए। घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, चैप्टर खत्म करना है आज, वहां फिर पोस्टिंग आपको करके दिखाना है। कहता है 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीनरी परचेज किया, कॉस्टिंग परचेज है 2.5 लाख रुपए का। आप देखते जाना। आगे कहता है अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच परचेज 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2011। एक मशीनरी और खरीदा गया 1 अक्टूबर को, यानी M2। दोबारा रिपीट करता हूं, 1 अक्टूबर को एक्स लिमिटेड ने परचेज आ मशीनरी ₹2 लाख। अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच वॉज परचेज 1 अक्टूबर को 2011 को बिकम एब्सोल्यूट। अच्छा, इसी की बात कर रहा है, इसमें से एक पार्ट 20,000 रुपए का जो है, बाकी बचा 2,30,000 का एब्सोल्यूट हो गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने 1 जन 2014 को, हैविंग बुक वैल्यू 17,100। मैंने इसको डिस्पोज ऑफ किया, कब डिस्पोज ऑफ किया मैंने, 1 फर्स्ट 2014 में। अब हैविंग बुक वैल्यू 17,100, इसका कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, बाकी आप निकालोगे तो 17,100 ही आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2013, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे कहता है ₹4,2000, इसको सोल्ड किया गया 2,000 रुपए का, डेप्रिसिएशन 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, और ये सारा अकाउंट बनाना है। मशीनरी एक ही है, कोई मशीनरी और एक्स्ट्रा नहीं है। चलो इस पे हम देखते हैं 2011 से अकाउंटिंग ईयर क्या है, फटाफट देख के बताओ। 31 मार्च, 31/3/2012, कितने महीने का, 6 मंथ का। इसके ऊपर 6 मंथ का क्या आएगा बताओ, सिक्स मंथ का बताओ। हाँ जी, ठीक है। अब ये डेट क्या आएगा बताओ, 1/4, हमने बेचा 14 में है, इसके बाद क्या आएगा, 31/3, अगेन कितना माइनस करेंगे, अब बताओ कितना आया, 17,100। यही क्वेश्चन में कहता था कि 1/4/2013 को इसका वैल्यू 17,100 है, तो एग्जामिनर ने बता के क्या करा, हम भी तो निकाल सकते हैं उसे। अच्छा, 13 यही बता रहा है। अब इस पे भी डेप निकालेंगे, माइनस करो बताओ, इसको क्या आता है, 2/30 में से 11 गए तो 2 लाख, अगेन डैप लगेगा। बोर्ड पे ध्यान दो आप, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये डेट क्या आएगा, 1/4/2013, माइनस करो फटाफट से। अब इस मशीनरी को 1 अप्रैल में हमने कब बेचा, इस मशीनरी का डेट जरा ध्यान से देख के बताना, 1/1/2014, यानी यहीं पे लगेगा, 1/1/2014 को बेचा जाएगा। अब 1/1/2014 को जब बेचा जाएगा तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ओनली 9 मंथ का, ठीक है। अब 9 मंथ का निकालते हैं इस पे डेप, 1,7,100 × 9/12,
इंटू 10 बाय 100, बताओ फटाफट कैलकुलेट करके क्या आता है। ये आया 171 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, बताओ क्या आता है कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन करना है आपने, 1282 आ गया, ये लो। हाँ 0.5 हटा देते हैं, माइनस करिए आप, इधर भी माइनस करो, आप सब बैठे हो, इधर भी माइनस करके बताओ क्या है फटाफट। माइनस करिए, आप क्या कर रहे हो, क्या 196, एक सेकेंड 196650, गलत है, सही है। अब अगला इसका बताओ माइनस करके, इसका बताओ फटाफट, 15,000 18, ये बैलेंस आ गया, इसको बेचा गया 2,000 में, ये तो बहुत लॉस हो गया, 13,818 रुपए का लॉस। चेक करो आंसर बुक में कितने का लॉस है, 17-18 वो मैटर नहीं करता, ठीक है, लॉस हो गया। इसके ऊपर करंट ईयर का डेप, क्लियर, करंट ईयर का डेप हमें बनाना कब तक का मशीनरी अकाउंट, 31 मार्च एवरी ईयर, बस खत्म। अब देखो ये WDV का है और न्यू एसेट्स का है, आप ध्यान से देखना, पोस्टिंग में करके दिखाता हूं। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 2000 कहां से स्टार्ट है, 11 से करना पड़ेगा इसे आपको, क्योंकि बैलेंस होता था तो तब एक साल का बनाना होता था, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से करके चलना पड़ेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे, अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं जितने बच्चे बातें कर रहे हैं सबसे पहले उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। चलिए ध्यान से देखना है फिर नोटिंग करेंगे। सबसे पहले बैलेंस BD तो नहीं आना, यहां टू बैंक, अब बैंक अकाउंट से कितने पेमेंट दिखाएंगे हम, 2.5 लाख टोटल दिखाना है आपने, अलग अलग नहीं दिखाना आपने, ठीक है, अलग अलग दिखा सकते हो लेकिन टाइम वेस्टिंग है। अब एक साल खत्म और कुछ नहीं करना, यहां पे ये है हमारा 1/4/2011, तो आएगा 31/3/2012, बाय साइड में डेप्रिसिएशन, दोनों का डेप्रिसिएशन 11,500 एक 12,500, बस एक साल कंप्लीट, कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं है, हालांकि 3 साल का है लेकिन देखो कितना आसान है ये। बाय साइड में आएगा बैलेंस CD और ये आ गया 31/3/2012। अगेन इसको टू बैलेंस BD बनाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट अगर सोच रहे कि सर बेचा तो है नहीं, जो डेट आएगा तभी तो बेचेंगे इसे, अभी नहीं बेचना इसको। और डिस्पोजल अकाउंट उसी साल एक्टिव होता है जिस साल बिकता है। अब इस साइड आएगा बाय बैलेंस BD और 12500 लाइबिलिटी है, इसलिए इस साइड आ गया हमारा
2012, 13 आएगा, नहीं 12 ठीक है, ये आएगा हमारा 31। अच्छा हाँ यहाँ सी डी आएगा, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 1/4/2011 से 12 टू बैलेंस बीडी, ये आ गया 2.5 लाख। देखो कितना आसान है, अब इस साल का डेप लगाना 31 बाय डेप्रिशिएशन ऐड कर देंगे 1900 और 21850 ऐड करिए, कितने 23750, ठीक है यहां तक समझ में आया। बस सेकंड ईयर भी कंप्लीट, क्योंकि बिका तो थर्ड ईयर है, कुछ नहीं करना आपने, फिर से बैलेंस सीडी करना है इसको। अब 31/3/13 बाय बैलेंस सीडी अगेन 2.5 लाख, और ये आ गया 1/4/13 टू बैलेंस। मैंने एक बात आपको बताया था, एक पॉइंट बताया था कि हमें जब गिवन ना हो कब तक प्रिपेयर करना है, तो जो लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन उसे कंप्लीट करना होता है। तो लास्ट ईयर क्या बन रहा है 14, तो 31/3/2014 तक हमें अकाउंट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बोला नहीं है। आगे चलते हैं, चलो इसका भी टोटलिंग कर लो फटाफट से, बताओ टोटल करके, जल्दी जल्दी टोटल करो। छत्तीस हजार क्लियर। अब 1/4 बाय बैलेंस, अब ध्यान देना इस साल में, इस साल में सोल्ड हुआ है, जिस साल सोल्ड होगा ये अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब सोल्ड हुआ है तो सबसे पहले सबका डैप लगा लेते हैं, तो ये बिका है 1 जनवरी को, तो 1/1 तक का तो डैप लगेगा ही लगेगा 2014 में, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगना है हमारा 1282 रुपये, ठीक है। अब हमें इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन को निकाल के बाहर करना है, किस नाम से करेंगे बाहर बताओ, टू मशीनरी। अब भाई कौन सा मशीनरी करते हैं, टोटल डेप, अब टोटल डेप निकालना पड़ेगा। टोटल डेप क्या होगा, एक तो ये और ये, यानी 1000 + 1900 + 1282, यानी क्या आ गया 41 82, क्लियर ये आ गया। अब यहां से लिखना है 41 82, और ये कहां जाएगा बताओ, डिस्पोजल में जाएगा 41 82। अब इसको बेचने पे मेरा कितने का बेच, अच्छा ठीक है यहां तक हमें समझ में आया। अब हमें क्या करना है, बेच भी देते हैं इसे, और 31 मार्च का डेप भी लग जाए, पहले बेच देते हैं। बेचा कितने का इसे बैंक से, बेचा 2000 का है, और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 13818, ये लो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या लगेगा रिमेनिंग वाले पे, अभी लगना है उस पे 31/3/2014 को बाय डेप्रिसिएशन, और ये आ गया मेरा 19665। अभी कुछ भी नहीं करना माइनस प्लस, अब यहां तक देखो डेप्रिसिएशन आ गया 19665 रुपए करंट ईयर का। अब हमें इस अकाउंट में से इस साल कब 1/1/2014 में एक एसेट्स को निकालना है, और वो एसेट्स का क्या निकालेंगे, कॉस्ट। तो मैं इधर क्या लिखने वाला हूं, बाय डिस्पोजल, और कॉस्ट क्या है मेरे हिसाब से 20,000, और इसे इधर लिखना है हमें, और इसका डेट क्या रहेगा, इसका डेट रहेगा 1/1/2014। अब इसका टोटल तो सेम आना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस अकाउंट का काम खत्म।
अब इस अकाउंट का दोनों का बैलेंस सीडी निकालेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, 2,50,000, 2,50,000 बाय बैलेंस अब यहां पे सेम। क्या मुझे एक आंसर दोगे आप एक क्वेश्चन का, जो यहां पे हमारा बैलेंस सीडी निकलता है वो किस मशीनरी का होगा बैलेंस? 2,30,000 वाले का टोटल बैलेंस होगा, ठीक है ना? उसका अगर मैं पूछूं बुक वैल्यू बता सकते हो तो बता सकते हैं। जो ये बैलेंस निकलेगा माइनस में 2,30,000 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? चलो इसका टोटल करिए फटाफट, क्या आता है? 57,197 और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बताओ क्या आ रहा है? 1,14,31,314,5,015। ये हमारा आंसर हो गया। एक फॉर्मेलिटी और करना है, बैलेंस सीडी को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर बैलेंस बीडी बना के रखना है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन था 3 साल का, अभी तक तो हम 1 साल का सीखे थे लास्ट में, ये कितने का है? अब पहले एक बार देखो, जिसको डाउट है मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसे। एक मैंने बोला था जिस साल मशीनरी बिकेगा उस साल इस अकाउंट से उस मशीनरी को निकाल के बाहर करना है, हाँ उसी दिन का डेट लिखेंगे। और बताओ किसी का कोई डाउट? कोई डाउट? चलो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि इसका बुक वैल्यू बताओ जो मशीनरी बचा हुआ है। अब मैं पूछता हूं ये मशीनरी कितने का बचा हुआ है, 2,30,000, क्या ये कॉस्ट प्राइस है या आफ्टर डेप्रिसिएशन है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं करते। अगर मैं बुक वैल्यू पूछूं तो निकाल सकते हो 2,30,000 - 53,015, ठीक है? अब आंसर को वेरीफाई करना है तो यहां पे देखो इसको माइनस करो तो आपका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद? 1,76,985, सेम आंसर आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो आपके पास बैलेंस मशीनरी है वो मैच हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया 1,76,985, उसको भी माइनस करके देख लो क्या आएगा, 1,76,985। क्यों? क्योंकि ये भाई बुक वैल्यू है, क्योंकि हर बार डेप माइनस कर रहे हैं और वो भी जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू, ठीक है ना? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का था 28, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 28। अब फटाफट नोट करिए, अब एक क्वेश्चन रह जाएगा 29, अभी देखते हैं उसको भी करेंगे।